Once again, good evening, ladies and gentlemen. मैं हूं आपका host Lord Akash और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं to the second elimination round of MG Arts Private Limited presents first ever Northeast Idol, Big Northeast Indian. Well, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा क्योंकि हमारे contestants के song हमारे judges को बहुत ही पसंद आए थे. वहाँ पे किसी को eliminate नहीं किया गया था. लेकिन आज के इस elimination round में इन 19 contestants में से किसी चार contestants का journey आज यहीं पे खत्म होने वाला है. So ladies and gentlemen, those were our top 19 contestants of MG Arts Private Limited presenting first ever Northeast Idol, being Northeast Indian. तो इसी के साथ आज हम सभी ने हमारे top 19 contestants के जितने भी performance हैं उन सभी को सुना और देखा. और आज इन 19 contestants में से किसी चार contestants का journey यहीं पे खत्म होगा. तो जानने के लिए कि वो चार contestants कौन होंगे, कहीं जाइएगा मत. हम लौटेंगे एक छोटे से break के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टू द सेकंड एलिमिनेशन राउंड ऑफ MG Arts प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. वेल, हम सभी ने आज हमारे 19 कंटेस्टेंट्स के गीत सुने. इन 19 कंटेस्टेंट्स में से किसी चार कंटेस्टेंट का जर्नी आज यहीं पे खत्म होगा. आई हैव द रिजल्ट्स विद मी इन माई हैंड. सो मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आप सभी से दरखास्त करता हूँ कि आप यहाँ मंच पे आइए एंड वी विल बी डिक्लेयरिंग आवर रिजल्ट. जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आप यहाँ मंच पे आइए. सबसे पहले आप सभी कंटेस्टेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ तक आइए. आपने अपना बेस्ट दिया. लेकिन सिंस इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, यहाँ पे अक्सर हार जीत लगी रहती है. सो अगर आज आप इस जर्नी से बाहर चले भी जाएँ तो आप दुख ना हो. आपका लाइफ में और कई सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहां आपको प्रॉस्पर करना होगा. सो द फर्स्ट पर्सन जिनका जर्नी आज यहीं पे खत्म होता है नॉर्थ ईस्ट आइडल 2019 सीजन 1 के इस जर्नी में, जो आज पहले कंटेस्टेंट हमें छोड़कर जा रहे हैं, वो हैं रानी शर्मा. आई एम रियली सॉरी, आपका जर्नी आज यहीं पे खत्म होता है. आप प्लीज मेरे सामने आके खड़ा कीजिए. दूसरे कंटेस्टेंट जिनका जर्नी आज यहीं पे खत्म होता है, जो आज हमारे इस नॉर्थ ईस्ट आइडल के परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, विपुल सिंह. हाँ, आई एम रियली सॉरी विपुल, यू हैवंट मेड इट टू टॉप 15. द थर्ड कैंडिडेट जो कि आज हमारे बीच नॉर्थ ईस्ट आइडल की इस जर्नी को छोड़कर जाएंगे इज लिखा यारी. I'm really sorry, Likhayari, for you haven't made it to top 15. And the last person, जो कि आज के इस जर्नी से हमारे नॉर्थ ईस्ट आइडल को परिवार को छोड़ कर जा रहे हैं, the last, very last contestant is Dev Kanta Taid from Assam. I'm really sorry. And rest of the contestant, really congratulations, आप सभी ने top 15 के लिए क्वालिफाई कर लिया. अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. And to the four of the contestant जो कि select नहीं हुए, there's a little twist in the story. कहानी में एक छोटा सा twist है. Since हमारे judges के पास wild card entry का power रहता है, उन्होंने unanimously decide किया है कि आज के एक contestant जो भी out हुए इन चारों में से एक को आगे भेजेंगे और compete कराएंगे top 15 में. So who's the lucky contestant among these four? We have from Arunachal, Manipur, Tripura, and then Assam. The candidate jinko judges ne unanimously select kiya hai aage top 15 mein compete karne ke liye, he is or she is. Unko declare karne ke liye main manch pe bulana chahunga hamare teenon judges. Please aap yahan pe aaiye aur aap teenon milkar hamare aaj ke us lucky contestant ka naam ko bataye. तो हम देर ना करते हुए वाइल्ड कार्ड को हम थर्ड या फोर्थ राउंड के लिए नहीं रुकेंगे. हम दिल दुख किसी को करना नहीं चाहते एक्चुअली.
इसलिए आज जो वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करना आज ही हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जो वाइल्ड कार्ड जिसको देने हम जा रहे हैं इन चारों में से, वो कंपटीटर का नाम है देव कंता ताई। सो देव कंता, कांग्रेचुलेशन। सो थैंक यू सो मच जजेस। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 16 कंटेस्टेंट फॉर मेकिंग इट टू द नेक्स्ट राउंड। जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मैं बता दूं कि आज से हमारे वोटिंग पोल्स खुले जाएंगे, तो भूलिएगा मत अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए। एंड इन 16 कंटेस्टेंट में से अगले हफ्ते यानी कि अगले एलिमिनेशन राउंड में कौन 5 कैंडिडेट्स का जर्नी यहीं पे खत्म होगा, जानने के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे फिर से अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय और इसी चैनल पर।